की पकौड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए थे 3 बड़े आलू। इन्हें हमने इस तरह से कट कर लिया है और इन्हें नमक के पानी में भिगो दिया है 10 से 15 मिनट के लिए। आलू की पकौड़ी का बैटर बनाने के लिए हमने लिया है 1 बाउल बेसन। अब इसमें डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के अनुसार, हींग 1 चुटकी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इन सबको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। बैटर को हमने अच्छे से मिला लिया है। आलूओं को सोक हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है। आप चाहे तो इसे कम टाइम तक भी सोक कर सकते हैं और इस तरह से आलू को इस बैटर में भिगो के ऑयल में डाल देना है। सभी आलू को हम इस तरह से बैटर में डाल देंगे। आलूओं को हमें कम से कम 5 मिनट तक पकाना है उल्टे पलटे करके। आलू की पकौड़ी बनकर बिल्कुल रेडी है।